अगर आप यूके में एज ए पार्ट टाइम काम करना चाहते हो तो अपने स्टूडेंट वीजा पे करेंगे। अगर आप यूके में हो स्टूडेंट वीजा पे तो आप अपना नेशनल इंश्योरेंस नंबर कैसे अप्लाई कर सकते हो। आप लोन भी पे करना चाहते हो एक्स्ट्रा काम करके तो आप यूके में काम कर सकते हो 20 आवर्स इन अ वीक फॉलो करके अपना एनआई नंबर अप्लाई कर सकते हो। जैसे ही आपको एनआई नंबर आपका आ जाएगा आप अपना काम स्टार्ट कर सकते हो। तो वेलकम बैक टू विवो टीवी, आई होप आप सबको अच्छे होंगे। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे अगर आप यूके में हो स्टूडेंट वीजा पे तो आप अपना नेशनल इंश्योरेंस नंबर कैसे अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट है। अगर आप यूके में एज ए पार्ट टाइम काम करना चाहते हो अपने स्टूडेंट वीजा पे अपनी डे टू डे लाइफ के एक्सपेंडिचर्स के लिए, या अपना आप लोन भी पे करना चाहते हो एक्स्ट्रा काम करके तो आप यूके में काम कर सकते हो 20 आवर्स इन अ वीक। बट उसको काम करने के लिए आपको नेशनल इंश्योरेंस नंबर होना जरूरी है। बट बाय डिफॉल्ट जब भी आप स्टूडेंट वीजा अप्लाई करते हो आपका जो बीआरपी कार्ड आता है उसकी यूज बाकी नॉर्मल बीआरपी कार्ड के पीछे एनआई नंबर लिखा होता है। बट जब भी आप स्टूडेंट के वीजा अप्लाई करते हो और आपका बीआरपी कार्ड मिलता है उसके पीछे एनआई नंबर नहीं होता है डिफॉल्ट, तो उसके लिए आपको अलग से अप्लाई करना पड़ता है। उसका प्रोसेस क्या है उसका प्रोसेस मैं आपको स्क्रीन शेयर करके दिखाऊंगा। आप एक ऑनलाइन एप्लीकेशन है उसको आप डिक्टो फॉलो करके अपनी पर्सनल डिटेल डाल के जो भी होगी फॉलो करके अपना एनआई नंबर अप्लाई कर सकते हो। जैसे ही आपको एनआई नंबर आपका आ जाएगा आप अपना काम स्टार्ट कर सकते हो। तो मैं इस वीडियो में ज्यादा लंबा नहीं करूंगा, चलिए चलते हैं स्क्रीन पे, मैं आपको दिखाता हूं कि आप एनआई कैसे अप्लाई कर सकते हो। बेसिकली ये वीडियो स्टूडेंट लोगों के लिए है जो यूके में आए हैं और अब वो अपना पार्ट टाइम जॉब स्टार्ट करना चाहते हैं। तो चलिए चलते हैं स्क्रीन पे। सो गाइस, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो ये मैंने गूगल पे सिंपल सर्च किया है अप्लाई फॉर एनआई नंबर यूके, तो पहले ही लिंक आपको दिख रहा होगा यूके गवर्नमेंट का, आपको उस पर क्लिक करना है। अगर आप ये पढ़ना चाहते हो कि कौन इसके लिए अप्लाई कर सकता है तो आप इस पे हु कैन अप्लाई इस पे भी क्लिक कर सकते हो और जाके पढ़ सकते हो कि कौन कौन एलिजिबल है। तो बेसिकली जो भी यूके में आता है जिसके पास राइट टू वर्क है वो इस एनआई नंबर के लिए अप्लाई कर सकता है। आप यूके में स्टूडेंट वीजा पे हो आपके पास राइट है, आप हफ्ते में 20 घंटे काम कर सकते हो तो आप एनआई के लिए एप्लीकेबल हो। आप पूरा चाहो तो पढ़ सकते हो, इसमें लास्ट में ये भी लिखा हुआ है कि इसका डिसीजन कब तक आएगा, जब आप अप्लाई कर दोगे तो 4 हफ्ते में आपका एनआई नंबर आपको मिल जाएगा। तो ये सिंपल सा प्रोसेस है। तो चलिए स्टार्ट करने के लिए क्या करना है, आपको सीधा इस लिंक पे क्लिक करना है हाउ टू अप्लाई। तो जैसे इस पे क्लिक करोगे यहाँ पे आपको पूछा हुआ डॉक्यूमेंटेशन, क्या डॉक्यूमेंट आपको रिक्वायरमेंट होगी, तो आपको पासपोर्ट चाहिए होगा जो के पास ऑलरेडी है, आपका बीआरपी जो आपने ऑलरेडी कलेक्ट कर लिया है, तो अगर आप किसी ईयू कंट्री से हो तो आपको नेशनल आइडेंटिटी कार्ड भी जरूरत होगी, अगर आप ईयू कंट्री से नहीं हो तो आपको सिर्फ पासपोर्ट और बीआरपी चाहिए होगा। तो आइडेंटिटी प्रूफ करने के लिए क्या करना है आपको, आपको एक फोटो अपलोड करनी होगी जिसमें आपने पासपोर्ट पकड़ा होगा और फोटो ऑफ अदर आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट, तो बहुत सी नॉर्मल सी आइडेंटिटी प्रूफ आपको चाहिए, आपके पास ऑलरेडी होगी। तो आपको क्या करना है, आपको नीचे स्क्रॉल करना है, आपको नीचे दिख जाएगा अप्लाई नाउ बटन, तो आप नीचे स्क्रॉल करके इस पे अप्लाई बटन पे क्लिक करो। तो जैसे आप अप्लाई पे क्लिक करोगे आप ये पेज फर्स्ट पेज आ जाएगा बिफोर यू स्टार्ट, आप इसको पढ़ सकते हो। तो बेसिकली नेशनल इंश्योरेंस यहाँ पे लिखा हुआ है, आपको सिर्फ अगर यूके में काम करना है तो ही आपको अप्लाई करना है, अगर आप काम नहीं करना चाहते तो अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। बट सेफर साइड, आप यूके में ऑलरेडी हो स्टूडेंट वीजा पे तो बेटर आप कभी से अप्लाई कर लो, क्योंकि ऑलरेडी 4 हफ्ते लगते हैं, अपना जब भी काम स्टार्ट करना चाहोगे तो आपको बहुत ईजी होगा जॉब मिलने में। एंड देन आपको क्या करना है, स्टार्ट नाउ बटन पे क्लिक करना है। पहला क्वेश्चन आता है कि आपने कभी नेशनल इंश्योरेंस नंबर पहले अप्लाई किया है कि नहीं, तो मैं कंसीडर कर रहा हूं आप यूके में नए हो स्टूडेंट वीजा पे फर्स्ट टाइम आए हो तो आपको नो सेलेक्ट करके कंटिन्यू पे क्लिक करना है। तो सेकंड क्वेश्चन आता है आर यू वर्किंग और लुकिंग फॉर वर्क इन यूके, तो अगर आप स्टूडेंट हो और आप फर्स्ट टाइम आए हो तो आप सेकंड ऑप्शन सेलेक्ट करो येस आई एम लुकिंग फॉर वर्क इन यूके, तो आपके लिए ऑप्शन एप्लीकेबल होगा और आप कंटिन्यू पे क्लिक करिए। तो थर्ड पेज आता है आपका फुल नेम और आपका सरनेम, आपको जो भी आपकी डिटेल है मैं यहाँ पे डाल दे रहा हूँ, लेट्स से अपना नाम विवेक एंड देन सरनेम लेट्स से टेस्ट, जो भी आपका सरनेम है वहां पे आप डाल दीजिए एंड देन कंटिन्यू पे क्लिक करिए। अगर आपने कभी नाम चेंज किया है तो आप यस सिलेक्ट करिए, अगर आपका नाम सेम है आपका बचपन से लेके अभी तक आपका नाम सेम है तो आप नो सिलेक्ट करिए एंड कंटिन्यू पे क्लिक करिए। देन आपका जेंडर क्वेश्चन, जो भी आपका जेंडर है वो सिलेक्ट करके कंटिन्यू पे क्लिक करिए। देन यहां से आपके पूछते हैं आपकी नेशनलिटी, जो भी आपकी नेशनलिटी है आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं सर्च करके एंड देन कंटिन्यू पे क्लिक करिए। देन यहां से आपकी डेट ऑफ बर्थ पूछी है, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है आप वो डाल दीजिए, मैं यहाँ पे एक डमी डिटेल डाल रहा हूँ, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ हो वो आप यहाँ पे एंटर कर दीजिए एंड देन क्लिक ऑन कंटिन्यू। अब क्वेश्चन आता है कि आप यूके में बॉर्न हुए थे कि नहीं, तो अगर यूके में ऑलरेडी बॉर्न हुए होगे तो आपका जो एनआई नंबर है वो ऑलरेडी आपको मिल जाता है, जैसे 3 मंथ पहले ही, जब आप 16 जब होने वाले होते उससे पहले आपको मिल जाता है। तो अगर आप बाहर से हो इंटरनेशनल स्टूडेंट हो तो आप नो सिलेक्ट करोगे, आप यूके में बॉर्न नहीं हुए थे एंड देन कंटिन्यू पे क्लिक करिए। देन अब क्वेश्चन आता है कि आप यूके में कब एंटर किए, तो जो भी आपकी एंट्री डेट है यूके में जो आपकी, तो वो आपको यहाँ पे डालनी है। तो अब मैं यहाँ पे एक डमी डिटेल डाल रहा हूं, अगर जो भी आपकी डिटेल हो एंट्री की यूके में वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं।
देन आपका पोस्ट कोड, जो भी यहाँ पे आप रह रहे हो, चाहे आपका स्टूडेंट एकोमोडेशन हो, प्राइवेट एकोमोडेशन हो, जो भी है आपका है, आप यहाँ पे उसका पोस्ट कोड डाल सकते हैं एंड कंटिन्यू पे क्लिक करिए। एंड देन यहाँ पे आपको एड्रेस सिलेक्ट करना होगा, जैसे आप पोस्ट कोड डालोगे एड्रेस सिलेक्ट करके आप कंटिन्यू पे क्लिक करिए। देन क्वेश्चन आता है कि क्या आपको वो लेटर सेंड कर सकते हैं बाय पोस्ट, अगर आपको मेल एक्सेसिबल है तो आप यस सिलेक्ट करिए, नहीं तो आप नो सिलेक्ट करिए। मैं कंसीडर कर रहा हूं कि आप वहां पे रह रहे हो और मेल बॉक्स आपको एक्सेसिबल होगा, तो आप यस सिलेक्ट करके कंटिन्यू पे क्लिक करिए। कैन वी सेंड यू अ कंफर्मेशन ईमेल, तो यस सिलेक्ट करिए। अगर आपके पास ईमेल एड्रेस है तो जो आप अपनी ईमेल एड्रेस इस पे डाल के कंटिन्यू पे क्लिक करिए, अगर नहीं है तो नो सिलेक्ट करिए, बट बेटर है अपनी जीमेल एड्रेस आप प्रोवाइड कर दो ताकि आपको ई नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि अगर कोई क्वेश्चन है यूके जो होम ऑफिस है उनका, कोई क्वेरी है, कोई क्लेरिफिकेशन चाहिए, तो क्या आपको फोन के थ्रू कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, तो आप ये सिलेक्ट करिए। देन आपको अपना नंबर प्रोवाइड करना होगा यहाँ पे, तो जो भी आपका नंबर है डाल के आप कंटिन्यू क्लिक करिए। एंड देन क्वेश्चन आता है पासपोर्ट, बहुत ही सिंपल है, तो आपको पासपोर्ट है तो आप ये सिलेक्ट करिए, आपको अपना पासपोर्ट नंबर डालना होगा। मैं यहाँ पे एक डमी डिटेल डाल रहा हूँ, जो भी आपका पासपोर्ट नंबर होगा यहाँ पे डाल के कंटिन्यू पे क्लिक करिए। एंड देन बायोमेट्रिक कार्ड, आपके पास बीआरपी कार्ड है कि नहीं, अगर आपने बायोमेट्रिक बीआरपी कार्ड कलेक्ट कर लिया है ये सिलेक्ट करिए। देन आपको अपना बीआरपी नंबर यहां डालना होगा, अगर आपने अभी तक कलेक्ट नहीं किया है तो प्लीज उसको कलेक्ट कर लीजिए, बट स्टिल आप उसको अप्लाई कर सकते हो आप नो सिलेक्ट करके, तो बट यहाँ पे मैं बीआरपी नंबर यहाँ पे डाल रहा हूँ, मैं यहाँ पे एक डमी नंबर डाल रहा हूँ, तो जो भी आपका बीआरपी नंबर हो वो आप यहाँ पे एंटर करके कंटिन्यू करिए। एंड देन नेक्स्ट क्वेश्चन आता है प्रिपेयर टू टेक एन अपलोड अ फोटो, तो अगर आपके पास डिजिटल कैमरा है कैन यू अपलोड अ डिजिटल फोटो, आपका ऑलरेडी फोटो है तो आप ये सिलेक्ट करिए, देन कंटिन्यू पे क्लिक करिए। देन आपको अब ये इंस्ट्रक्शन है टेक एंड अपलोड फोटो ऑफ योर पासपोर्ट, तो आपको कैसी करनी है पासपोर्ट, आपको इंस्ट्रक्शन दी हुई है कि आपको कैसे आपकी जो फोटो होगी पासपोर्ट की कैसी होनी चाहिए, दोनों पेज विजिबल होने चाहिए, फोटो फोकस में होने चाहिए और क्लियरिटी होनी चाहिए। तो ये एग्जाम्पल भी दिया हुआ है कि इस आपका ऐसा फोटो खींचना चाहिए जिसमें आपका जो पासपोर्ट डिटेल है वो दिख रहा है, नॉट वीजा, आप वीजा आपको नहीं दिखाना, आपका पासपोर्ट जो डिटेल है वो दिखाना है फर्स्ट एंड लास्ट पेज। एंड देन सेव द फोटो, यहाँ पे आपको क्या करना है, एक फोटो अपलोड करनी है एंड देन कंटिन्यू पे क्लिक करना है। तो एक मैं फोटो यहाँ पे अपलोड कर रहा हूं एंड देन कंटिन्यू पे क्लिक करो। तो यहाँ पे तो मैंने एक डमी डिटेल, एक फालतू की फोटो थी वो डाल दी है, पासपोर्ट की नहीं डाली है, तो जो भी आपका पासपोर्ट हो यहाँ पे अपलोड करके आप दिख जाएगी आपको जो भी फोटो है। देन डू यू पास मीट द रिक्वायरमेंट क्राइटेरिया, जो भी क्राइटेरिया उन्होंने लास्ट पेज मेंशन किया है आप ये सिलेक्ट कंटिन्यू करिए। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आता है टेक एंड अपलोड फोटो ऑफ योर सेल्फ होल्डिंग योर पासपोर्ट नेक्स्ट टू योर फेस, सो आपको कैसी करनी है, आपको एग्जाम्पल भी दिया हुआ है कि आपको अपना पासपोर्ट पकड़ के आपका फेस उसमें मैच होना चाहिए, उस टाइप की फोटो दिखनी है और क्लैरिटी होनी चाहिए, कोई शेडो नहीं आना चाहिए और ब्लर नहीं होनी चाहिए। एंड देन ऑलरेडी अगर आपने फोटो क्लिक की हुई है तो आप उसको भी अपलोड कर सकते हो डायरेक्टली। एंड देन पूछ रहा है कि जो फोटो आपने अपलोड की है वो मीट कर रही है क्राइटेरिया, तो आप कंटिन्यू पे क्लिक करिए। एंड देन आता है आपका बीआरपी कार्ड, बीआरपी कार्ड का भी एग्जाम्पल दिया हुआ है कि फोकस होना चाहिए, चारों कॉर्नर दिखने चाहिए, तो यहाँ पे एग्जाम्पल में आपको दिया हुआ है कि आपको एक फ्लैट स्क्रीन पे व्हाइट बैकग्राउंड पे रख के उसको क्लिक करनी है, इसको आपको स्पेशली हाथ में रख के नहीं खींचना, तो आप यहाँ पे भी अपलोड कर सकते हो उस फोटो को। जो भी आपकी फोटो है उसको आप सिलेक्ट करके कंटिन्यू टू अपलोड करिए, जो भी आपकी फोटो यहाँ पे दिख जाएगी, अगर क्राइटेरिया मेट कर रहा है तो आप कंटिन्यू पे क्लिक करिए। एंड देन आपको लास्ट में आपको एक कंफर्मेशन स्क्रीन है, जो भी आपने आंसर दिए हैं आप यहाँ पे पढ़ सकते हो, अगर आप चाहो तो उसको चेंज भी कर सकते हो, यहाँ पे पढ़ के आप चेंज का ऑप्शन दिया हुआ है। एंड देन आप नीचे देख सकते हो आपने जो फोटोज अपलोड की हैं, बेसिकली आपका पासपोर्ट विद योर सेल्फ एंड देन बीआरपी कार्ड, तो आपको तीन फोटो बेसिकली अपलोड करनी है। एंड देन आप यहाँ पे इसको चेकबॉक्स है जो आप चेक कर सकते हो, जो कन्फर्मेशन देता है कि आपने सब कुछ चेक कर लिया है। एंड देन एक्सेप्ट एंड सेंड, जैसे आप इस पे क्लिक कर दोगे आपकी सारी डिटेल वहां चली जाएगी होम ऑफिस पे, एंड जैसे आप एक्सेप्ट एंड सेंड करोगे आपको नेक्स्ट स्क्रीन दिख जाएगी ये वाला, तो इसमें आपको कन्फर्मेशन दिया हुआ है कि आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उन्होंने रिसीव कर लिए हैं, आपको एक ईमेल भी आ जाएगा जो भी ईमेल एड्रेस आपने दिया था अपनी डिटेल फिल करते टाइम, और 8 हफ्ते में आपको डिसीजन मिल जाएगा। यूजली 8 हफ्ते नहीं लगते, उससे पहले आपको आ जाएगा, बट यहाँ पे आपको मेंशन किया हुआ कि 8 हफ्ते। तो गाइस ये था आज का वीडियो जिसमें मैंने बताया कि अगर आपको एनआई अप्लाई करना है, अगर आप स्टूडेंट वीजा पे हो तो आप कैसे अप्लाई कर सकते हो। बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है, आप ये वीडियो का जो स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके आप अपना एनआई अप्लाई कर सकते हो, और जैसे आपका एनआई आ जाएगा आप जॉब करना आप स्टार्ट कर सकते हो। तो गाइस
अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कर देना, शेयर कर देना लोगों के साथ ताकि वो भी एनआई अप्लाई कर सकें। अगर आपके पास कोई कमेंट है हमारे लिए हमें कमेंट सेक्शन बताओ, हमसे जितना हो सकेगा हम ट्राई करेंगे आपकी हेल्प कर सके। अगर आपके पास कोई सजेशन भी हमारे लिए अब हमें कमेंट सेक्शन बताओ, तो हमसे जितना हो सकेगा हम ट्राई करेंगे उस टॉपिक के ऊपर वीडियो ला के आपके साथ शेयर कर सके और आपकी हेल्प कर सके। तो अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू सब्सक्राइब, ये हमें हेल्प करता है, मोटिवेट करता है ऐसी यूजफुल वीडियोस बनाने के लिए ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो और आपकी लाइफ स्मूथ हो। तो वी विल कम अप विद द नेक्स्ट वीडियो सून, अंटिल देन टेक केयर, बाय।